हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑडिसी टेक्नोलॉजीज में। तो गाइस, आज का जो हमारे पास टॉपिक है सीखने के लिए वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर श्रिंकेज यानी एब्सेंटिज्म क्या होता है और इस रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जो सेकंड टॉपिक हमारे पास है आज इस वीडियो के लिए वो है एट्रिशन फार्मूला कि एट्रिशन रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस, लेट सपोज अगर आप किसी टीम लीडर पोजीशन के लिए या फिर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर में भी सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वहां पर ये दो फार्मूलेज आपको 110% आने चाहिए और आने ही चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं आपको तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको एक बार देख लीजिए, सीख लीजिए ताकि जॉब आपकी बहुत ईजी और आसान हो जाए। ठीक है, तो इसको अब इसका मतलब क्या होता है गाइज, जो श्रिंकेज और एबसेंटिज्म होता है ये प्लान लीव्स और अनप्लान लीव्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा श्रिंकेज बनता है। लेट सपोज अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके पास 10 एजेंट्स काम कर रहे हैं तो 10 एजेंट्स में से लेट सपोज अगर आपको दो एजेंट्स फ़ोन करके अचानक से बोल देते हैं कि सर आज मैं नहीं आ सकता हूँ, आज मुझे छुट्टी चाहिए, वट एवर द रीज़न इज, तो वो आपका हो जाएगा अनप्लान लीव्स। तो गाइज, प्लान लीव्स और अनप्लान लीव्स क्या होता है? प्लान लीव्स वो होता है कि अगर आपने अपने एजेंट्स को अप्रूव्ड लीव्स दे रखी हैं यानी उन्होंने ऑलरेडी आपको ईमेल टेक्स्ट फ़ोन कुछ कर रखा था और आपने उनको अप्रूव कर दिया है तो वो अप्रूव छुट्टियों में जिसमें आपको पूरी मैनेजमेंट को पता होगा कि आज इस टीम लीडर के इतने एजेंट्स नहीं आ रहे हैं। और अनप्लान लीव्स क्या होती है कि टीम लीडर को अचानक से कोई फ़ोन करे या मैनेजर को कि सर आज मैं नहीं आ सकता हूँ या मैम आज मैं नहीं आ सकता हूँ, ये रीज़न है, तो वो अचानक से जो छुट्टी होती है उसे अनप्लान लीव्स कहते हैं। तो श्रिंकेज और एब्सेंटिज्म होता क्या है कि इन दोनों को अगर हम एडिशन इनका कर दें, इनका सम कर दें तो श्रिंकेज फार्मूला बन जाता है। अब द चैलेंज इज कि इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैलकुलेट कैसे करते हैं क्योंकि हमें ये रिपोर्ट बना के भेजनी होती है अपने मैनेजर को, ठीक है, या फिर अपने सुपरवाइजर को। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल सा तरीका है, आपको दिख रहा होगा कि मैंने प्लान लीव्स लगाया, अनप्लान लीव्स लगाया, दोनों को ऐड कर दिया, वो श्रिंकेज है। अब प्लान लीव्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्लान लीव्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एजेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो प्लान निकल जाएगा आपका। और अनप्लान श्रिंकेज कैसे निकालते हैं? अनप्लान लीव्स डिवाइडेड बाय टोटल एजेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका अनप्लान निकल जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका टोटल श्रिंकेज निकल जाएगा। तो गाइज, यहाँ पे देखिए मैंने एक डेटा बनाया हुआ, टोटल मेरे पास एजेंट्स हैं 120 और जो मेरी प्लान लीव्स हैं वो है मेरी 15, यानी कि मेरी जो प्लान लीव्स हैं, जो मेरे एजेंट्स हैं, 15 लीव एजेंट्स मेरे छुट्टी पे हैं जो कि सबको मैंने इन्फॉर्म कर चुका हूँ ऑलरेडी। और अनप्लान अचानक से 10 बंदों का या 10 एजेंट्स का मुझे फ़ोन आता है सर मैं आज नहीं आ सकता हूँ या फिर मैम आज मैं नहीं आ सकती हूँ, तो फिर अब ये होगा मेरा अनप्लान लीव्स। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया, प्लान को निकालने के लिए टोटल जितने प्लान लीव्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल एजेंट्स डिवाइडेड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको कैसे करेंगे। इक्वल टू का साइन मैंने लगा दिया और प्लान लीव्स कितनी है 15 है, डिवाइडेड बाय नंबर टोटल एजेंट्स मेरे पास कितने हैं 120 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा आ गया 12.5। तो ये मेरे प्लान लीव्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अनप्लान कैसे निकालना है मुझे, तो मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि गाइज यहाँ पे मुझे करना क्या कि अनप्लान नंबर मेरा कितना है, अनप्लान लीव्स कितने हैं 10, तो मैं 10 लिखूंगा एंड डिवाइडेड बाय टोटल एजेंट्स मेरे पास कितने हैं 120, तो मैंने 120 लिख दिया एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। तो टोटल आ गया 12.5 मेरा प्लान लीव्स हैं, अनप्लान मेरे कितने हैं 8.3 हैं, तो दोनों को अगर मैं एडिशन कर देता हूँ तो मेरे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप सम का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं तो वो 20 हो जाएगा आपका। तो ये तो था गाइज श्रिंकेज की आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई गेस इट वॉज वेरी ईजी एंड यूजफुल एंड हेल्पफुल टू लर्न, ठीक है, श्रिंकेज और एब्सेंटिज्म को हम कैसे यूज़ करते हैं। सो दैट वॉज द वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एट्रिशन का काम, कैसे एट्रिशन को यूज़ करते हैं। तो देखिए एट्रिशन यूज़ करने के लिए हम इस पे आ जाते हैं। अब एट्रिशन का फॉर्मूला क्या है, एट्रिशन का मतलब क्या होता है कि आपके कंपनी में एक मंथ के अंदर कितने एजेंट्स रिजाइन देते हैं, कितने आपको लीव करते हैं, छोड़ जाते हैं कंपनी, जॉब छोड़ के जाते हैं, तो उसके कैलकुलेशन क्या है, उसको रेट को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है गाइस, एट्रिशन फार्मूला रेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल रेजिग्नेशन जितने आपके रेजिग्नेशन आए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एजेंट्स वी हैव इन द बिगिनिंग, ठीक है, एंड उसके अंदर ऐड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एजेंट्स वी हैव इन द एंड आफ्टर ऑल द रेजिग्नेशन,
it all would be divided by 2 and total all would be multiplied by 100. So ये एक तरीका है गाइज इसको कैलकुलेट करने का. इस तरीके से गाइज इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि टोटल रेजिग्नेशंस डिवाइडेड बाय एजेंट्स इन द बिगिनिंग प्लस एजेंट्स इन द एंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. अब इसे हम प्रैक्टिकली कैसे करके देखेंगे तो गाइज मैंने यहाँ पे एक डेटा बना रखा है. आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास जो एजेंट्स हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वो है 120 और कुछ एजेंट्स मेरे पास न्यू आए हैं जो कि 35 है तो मैंने 35 लिख दिया और कुछ एजेंट्स ने सेम मंथ के अंदर मुझे रिजाइन डाल दिया, मतलब मुझे रिजाइन दे दिया तो वो है 30. ठीक है, अब मेरे पास बचे कितने, यानी कि 120 तो मेरे पास स्टार्टिंग में थे और 35 मेरे पास और आ गए तो कितना हो गया 155 यानी 155 और उसमें से 30 ने रिजाइन दे दिया तो टोटल मेरे पास कितना बचा 125. तो टोटल एजेंट्स हमारे पास जो बचे लास्ट में वो 125 है, स्टार्टिंग में 120 थे, 35 न्यू आए थे, 30 ने रिजाइन दे दिया. अब इसका फॉर्मूला क्या है कि अट्रिशन कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं. ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फिर दोबारा से, मैंने ऑलरेडी कर रखा था बट अब मैंने रिमूव कर दिया. अब मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू का साइन. टोटल रेजिग्नेशंस कितने हैं एज पर द फॉर्मूला, लेट्स गो थ्रू एज पर द फॉर्मूला. टोटल रेजिग्नेशंस हमारे पास कितने हैं, रेजिग्नेशंस हैं 30 एंड दैट वुड बी डिवाइडेड बाय एजेंट्स इन द बिगिनिंग. तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितने एजेंट्स थे, स्टार्टिंग में हमारे पास 120 एजेंट्स हैं और ऐड करेंगे लास्ट में कितने बचे 125. गाइस इतना ईजी है, बिल्कुल समझ में आ रहा है एकदम. ठीक है, और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे ऐसे. लेकिन गाइज देखिए ये कुछ बन नहीं पा रहा क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा, बिना ब्रैकेट के नहीं चलेगा. तो ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं. इक्वल टू का साइन, नंबर ऑफ एजेंट्स हमारे पास कितने हैं जिन्होंने रिजाइन दिया है वो है 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एजेंट्स वी हैव इन द बिगिनिंग, कितने टोटल स्टार्टिंग में थे 120. तो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, 120 लिखा प्लस 125 जो मेरे पास लास्ट में बचे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से और मल्टीप्लाई बाय कर देता हूँ 100 से. तो गाइज ये तो है एक फॉर्मूला. अब मैं करता हूँ एंटर, तो एंटर करने के बाद मेरे पास आ रहा 6.12 जो कि गलत है और इनकरेक्ट वैल्यू है क्योंकि ये गाइज हमें बॉर्ड मास के हिसाब से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. बॉर्ड मास के हिसाब से मैं फिर से इस फॉर्मूले के अंदर जाता हूँ. बस करना क्या होगा आपको, यहाँ पे इस 2 के बाद एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना ताकि ये बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग चले. बॉर्ड मास का फॉर्मूला हमने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा 6th और 7th स्टैंडर्ड में. तो ये होगा, देखिए 2 ब्रैकेट मैंने लगा दिए बड़े वाले. अब ये आराम से कैलकुलेशन कर सकता है क्योंकि एक्सेल को नहीं पता आपने 2 के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर रखा है. अब वो आराम से अंदर कैलकुलेशन करेगा और आपको दिखाएगा. अब देखिए अब लास्ट में आता है 24.49. तो गाइस बहुत ही इजी था आई थिंक सीखने के लिए एट्रिशन रेट को हम कैसे निकालते हैं. फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए और कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया वो मैंने आपको दिखाई दिया है. बिल्कुल ईजिली करना है, बस आपको डबल ब्रैकेट जो मैंने बाद में लगाया वो लगाना भूलना नहीं क्योंकि एक्सेल के अंदर आपको डबल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तभी ये कैलकुलेट करेगा. तो गाइज आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पे और जितने भी सोशल साइट्स हैं, यूट्यूब है आपका और ट्विटर है या लिंक्डइन है, जो भी सोशल साइट्स आप उसको शेयर कर सकते हैं. तो आज के लिए गाइज सिर्फ इतना ही, आपका दिन आगे शुभ रहे. थैंक यू.